कोविड सेंटर से लिस्ट आ रही है कोई और लोगों की, और बाहर मेरे को कुछ और लोग आके कहते हमारी सैलरी है। शानू भाई आए बोले मेरे ये बंदों को निकालो, मेरे बंदों को डालो, ये मैडम ने स्ट्रेस में आके नींद की गोलियां खा ली। सुहा मैडम को हाजिर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आप बताइए कि इतने टाइम से इतने टाइम तक लिखत में दीजिए। बच गए 60-70 लोग जो बच गए थे, उन लोगों को हमने निकालना पड़ा। और हमने 2 महीने काम करके बोले 1 महीने की सैलरी मिलेगी, वो भी अल्फा से मिलेगी। उनका एक दिन का पगार भी टीएमसी को देना पड़ेगा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। करोड़ों रुपए की लागत से बना मुमरा के एमएम अली कोरोना सेंटर जो अब बंद हो गया है, मगर वहां काम करने वाले करीब 30 लोगों को अभी किसी को 1 महीने का, किसी को 2 महीने का ऐसा पगार उनका बकाया है, जो अभी तक पगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस कोरोना सेंटर की एडमिन जोया ने बताया कि जब ये कोरोना सेंटर का शुरुआत हुआ था तभी इसमें करीब 180 लोग थे, मगर बाद में इनमें से काम करने वाले 72 लोगों की मंजूरी मिली थी, बाकी के बचे हुए लोगों को निकालना पड़ा था। मगर नगर सेवक शानू पठान ने कुछ लोगों को काम पर रखवाया था और कहा था कि मनपा में महासभा में इनकी पगार पास करवाकर वो देंगे, और इनको जो है काम पर वहाँ रख लिया गया था। इनमें से अभी भी 30 लोग ऐसे हैं जो पगार के लिए भटक रहे हैं। वहीं जब शानू पठान से भी इनके बकाया पगार के बारे में बात की हमने, तो शानू पठान ने जवाब ही कुछ अलग दिया। शानू पठान ने बताया कि पगार के लिए जिन लोगों को भेजती है उनके नाम ही लिस्ट में नहीं है, यानी कि लिस्ट में किसी और का नाम है और पगार लेने कोई और जाता है। इसलिए शानू पठान ने इनके पेमेंट्स जो बकाए हैं वो लिखित में उन्हें देंगे। कितने महीने की पगार बाकी है, पूरी डिटेल जिनके पगार बाकी हैं वो लिखकर शानू पठान को एक लेटर दें, उसके बाद शानू पठान मनपा में इनकी पगार दिलाने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने शानू पठान और जोया और जो लोगों का पैसा बाकी है उनसे भी बात की है, आपको सुनाएंगे। मगर आपको ये बता दें कि जिस तरह से ये कोरोना सेंटर शुरू हुआ था और इसमें कई लोग काम किए थे, मगर अब उसमें से कुछ लोग अपने पगार पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप लोगों की सैलरी का क्या मामला है और कितने महीने की सैलरी है जो अभी तक आप लोगों को नहीं मिली? सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं खान जोया हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती थी मैं, और जो हॉस्पिटल में पहले जो रेफरेंस से जितने लोग आ गए थे वो 180 से 200 के करीब थे सर लोग, और 1.5 महीने तक उन्होंने काम किए। 1.5 महीने के बाद में जो 25 सितंबर को पता चला कि सिर्फ 72 लोगों की मंजूरी टीएमसी ने दी हुई है करके, तो जो लोग काम किए 1.5 महीना काम किए तो वो 180 लोग थे, जिनमें से 72 लोगों का सिर्फ सैलरी का शीट निकालना पड़ा। ज़्यादा फोर्स करने पे टीएमसी ने और 30 लोगों को कलवा में दिखा के उनकी सैलरी निकाली, और बच गए 60-70 लोग जो बच गए थे उन लोगों को हमने निकालना पड़ा। और उसकी वजह ये थी कि शानू भाई आए थे मेरे ऑफिस में, बोले मैडम जो है ना इन लोगों की सैलरी की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे बंदों को आप रखो, और इनकी सैलरी मैं महासभा से या स्टैंडिंग कमेटी से जो भी है मैं क्रिसमस तक के 2 महीने में निकाल दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी मैं निकाल दूंगा, ये उन्होंने मुझे बोले थे। अब जो है सर ऐसा है कि मेरे अब्बा भी बीच में ICU में एडमिट थे सेम हॉस्पिटल में आपको, अब जो वहाँ पे वार्ड बॉय बोल के जो लड़के काम कर रहे थे, लेडीज़ लोग काम कर रहे थे, वो मेरे घर में कॉल कर रहे हैं कि आपकी बेटी हमको सैलरी क्यों नहीं दे रही। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हूँ मैंने कि ये लोग भी मुस्तैक थे, वॉशरूम धोना और एक डेड बॉडी को रैप करना, कोरोना के पेशेंट के पास कोई जाता नहीं, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है सर, और ये मुस्तैक है इस चीज़ के, इनके घर में खाने को कुछ नहीं था, ऐसे वक्त में इन लोगों ने कोरोना के लॉकडाउन में खर्चा करके गाड़ी खड़ा लेके आते थे। और मैं चाहती हूँ शानू भाई हमारे बड़े भाई है और उन्होंने अभी तक के पानी को लेके और कई मसलों पे उन्होंने जो किए हैं काम किए बहुत अच्छे काम किए, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हम सबकी रिक्वेस्ट है कि जो इनकी सैलरी बाकी है वो प्लीज़ सैलरी निकाल के दे दें। और कितने लोग हैं जो जिनको ऐसे नहीं मिला है? ऐसे सर 35 लोग हैं, जिनमें से 5 लोग जो उनके खुद के थे उनकी सैलरी उन्होंने दे दी है, बच गए मेरे पास 30 लोग हैं जिसकी सर मेरे पास पूरी लिस्ट है। क्या शानू ने कहा था कि वो सैलरी देंगे? जी सर उन्होंने बोले थे कि मैं सैलरी मैडम दे दूंगा, बाकी तो उन्होंने यहाँ पर मीटिंग लिए थे। मैं दे दूंगा मतलब मनपा से कराएंगे, महासभा से या स्टैंडिंग कमेटी से जो भी है, उन्होंने यहाँ तक बोले थे मैडम इन लोगों ने काम किया, इनका एक भी पैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए, इन लोगों ने मेहनत की है, भले टीएमसी की कितनी भी कैपेसिटी इन्होंने काम किया, ये मुस्तैक है तो इनको इनके पैसे मिले। उसके बाद 30 लोगों की कितने महीने की सैलरी है? सर 30 लोगों की 1 महीने से 1.5 महीने की, किसी किसी की 2 महीने की है सैलरी।
जो काम किए यहाँ पर। और आज सर, आज जो है ओम साई को शमीम भाई ने भी 2-3 दिन से कंटिन्यू फ़ोन किया उन लोगों को, खाली डॉक्टर से बात की, तो ओम साई की तरफ से आज 11-12 लोगों को जो सैलरी उनकी बाकी थी उनको मिल गई है, इनकेश मिल गया उनका। तो ये ओम साई का तो चलिए सैलरी का जो 12 लोगों का मसला था वो हल हो गया। हाँ, डॉक्टर जीशान आए थे सर, खुद उन्होंने अपने हाथ से, मेरे हाथ से साइन लेके उनको सैलरी बांटे। अभी अभी ये जो मनपा के इस कोविड सेंटर में ये 30 लोग जो 1.5-2 महीना काम किए हैं, तो बीच में एजेंसी कौन है, किसके माता थे? सर ये अल्फा कॉम करके था, अल्फा कॉम जिसमें सफाई कामगार बोल के लोगों को रखा गया था, लेकिन वो अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे सर। अच्छा। 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की जो ड्यूटी होती थी उसमें एसी ऑपरेटर, ओटू ऑपरेटर और अपना जो वाटर सप्लाई के लिए मोटर वगैरह के ध्यान रखने के लिए, और एक जो था सर इक्वल कंजम्पशन करके जो ओटू का बाहर हमारा जो ये लिक्विड सिलेंडर लगा हुआ है उसको देख रेख करने के लिए 24 घंटे के लिए एक वो था, जो 3 शिफ्ट में 2-2 करके लड़के आते थे अंदर एडमिन के अंदर, रिसेप्शन में, डिस्चार्ज में, और जो रिलीज करते हैं पेशेंट को उसके लिए, गार्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी सब चीज़ें जिम्मेदारी के सबसे थी सर, तो गार्ड के लिए एक एक शिफ्ट में 6-6, 7-7 जो गार्ड होते थे हर गेट पे होते थे, तो उस लिए रखा हुआ था। और सर सबने काम किए, बहुत अच्छे से काम किए सर सबने। 1 सितंबर से यहाँ भर्ती चालू, बोले यहाँ गवर्नमेंट कोविड हॉस्पिटल यहाँ भर्ती चालू, 1 सितंबर से सब काम कर रहे हैं। फिर अक्टूबर के महीने में पता चलता है कि परमिशन सिर्फ 72 लोगों को है और वो भी 25 तारीख से। फिर बाद में ये कंटिन्यू काम करते थे, फिर उसमें शानू भाई आए, बोले मेरे ये बंदों को निकालो, मेरे बंदों को डालो, ये मैडम ने स्ट्रेस में आके नींद की गोलियां खा ली, फिर वो मामला चलते रहा। तो अभी तक ये जो आपका क्या नाम है, आप ये पेंडिंग है, तो ये पेंडिंग चलते रहिए। मेरे बच्चे ने भी यहाँ काम किया, मेरी बहन ने यहाँ काम की, 2 महीने काम किए सर, सितंबर में काम किए, अक्टूबर में काम किए, सितंबर की पगार किसकी नहीं मिली, तो अल्फा वालों ने किसी की भी नहीं दी, तो कम से कम को आपके बच्चे यहाँ पर काम करते, मेरा लड़का, मेरी बहन, मेरी बहन की लड़की, उन सबने काम किए। इन लोग को पूछो, हमने ना किसी को पैसे दिए ना किसी से पैसे लिए, और हमने 2 महीने काम करके बोले 1 महीने की सैलरी मिलेंगी, वो भी अल्फा से मिलेंगी, लेकिन बाद में मचमच होती है, यहाँ नगर सेवक आते हैं, कुछ मचमच होती है, तो बोले तुमको 1 महीने की मिलेगी, वो भी अभी तक 1 महीने की नहीं मिली। कहने का मतलब इतना ही है, मैंने जो काम किया ना मुझे सैलरी मिली। कितना अर्सा काम किया तुमने? मैंने 1 सितंबर और 30 अक्टूबर तक किया, 2 महीने काम किया। 30 अक्टूबर 2 महीना काम किया। ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारी जानकारी में जिनको अभी तक ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम किया और उनको तनख्वाह नहीं मिली? 30 लोग है। ठीक है, अब ये तनख्वाह जल्द से जल्द मिल जाए, सब जरूरतमंद लोग हैं, मनपा प्रशासन, मनपा आयोग, गृह निर्माण मंत्री और यहाँ के नगर सेवक, इन सबसे क्या अपील करेंगे? उनसे अपील है कि हमारा जो पगार है वो मिलना चाहिए। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात कि पहले तो सैलरी नहीं है, लेकिन अल्फा वाले और जो ओम साई है इनको स्टैंडिंग में बात करके, अधिकारियों से बात करके, माननीय जितेंद्र रावत सबसे बात करके, स्टैंडिंग में खास तौर से इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए उनकी पहली पगार रिलीज करें। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि एक तरफ कोविड सेंटर से लिस्ट आ रही है कोई और लोगों की, और बाहर मेरे को कुछ और लोग आके कहते हमारी सैलरी है, तो दोनों मैच नहीं हो रहे, इस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। तो मैं जिनकी सैलरी बाकी है उनसे एक ये अपील करना चाहूँगा कि वो लोग अपने रजिस्टर पर जो हाजिरी किए थे उसकी रजिस्टर की कॉपी लेके मेरे पास लेटर लाके दे कि भाई ये हाजिरी है, उसकी फ़ोटो, और ये मेरा सैलरी इतनी बाकी है, तब कन्फ्यूज़न दूर होगा। लेकिन जिन लोगों ने काम किया है मैं आपके सामने यकीन दिलाता हूँ, फिर वो कोई भी हो, उनका एक दिन का पगार भी TMC को देना पड़ेगा, और मैं इस पगार को लेके रहूँगा। कैसा है वहाँ पे जोया के पास जाना पड़ेगा उनको, और जोया के पास जाके मैडम को बोलना पड़ेगा कि मैडम हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमको बाहर एंट्री, हमको बाहर बोला जा रहा है कि हम लोग हमने काम नहीं किया, और हॉस्पिटल के अंदर के जो नाम है वो कोई और लोग के आ रहे। तो मैंने यही बोलना चाह रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है एक बार हॉस्पिटल में कौन हाजिरी लगाता था रजिस्टर में ये तो मुझे नहीं मालूम। बराबर। और कौन उधर से पेपर बना के हेड ऑफिस भेजता था, ये मुझे वहाँ से स्टाफ भेजता था, तो वो अलग जा रहा है नाम, और यहाँ पे पैसा मांग रहे अलग लोग हैं अलग। तो इसीलिए मेरी सभी लोगों से आपके माध्यम से गुजारिश है कि कई वार्ड के तो मेरे मिलेगा तो 5-10 होंगे, लेकिन अन्य लोग भी है मुमरा कोसा की, तो आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि वो सभी लोग एक लेटर पे मुझे लाके दे दे, एक पेज पे शानू भाई आईडी के साथ, शानू भाई मैं काम किया हूँ और ये उसकी हाजिरी है, और नहीं हाजिरी है जोया मैडम के पास हाजिरी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आप बताइए कि इतने टाइम तक लिखित में दीजिए, तो मैं आने वाली स्टैंडिंग में, ये अभी स्टैंडिंग में, हम मैं ताबड़तोब उनके प्रश्न
कोविड में जो पगारें निकाली जा रही है, कोविड में करोड़ों रुपए का बजट लिया जा रहा है, मुमरा कौसा के हर बच्चे को, हर मौसी को जो काम किया उसको पगार देना ही पड़ेगा।